नमस्ते दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। आज का हमारा वर्कआउट टॉपिक है पुशअप्स। पुशअप्स एक ऐसा वर्कआउट है जिससे आपके ओवरऑल बॉडी के स्ट्रेंथ का पता लगाया जा सकता है। तो हम बढ़ते हैं आज के वर्कआउट के पहले स्टेप की तरफ। इस पुशअप्स का नाम है दोस्तों नॉर्मल पुशअप्स। हमारा हाथ हमारे शोल्डर्स के थोड़े से वाइड साइड में रहेगा और हमारे अपर बॉडी का पूरा वेट हमारे दोनों हैंड्स में रहेगा और हमारा हेड स्ट्रेट रहेगा जो कि इस तरह। दोस्तों अगर आप लोग नॉर्मल पुशअप नहीं कर पाते हैं तो आप लोग कुछ इस तरह के पुशअप्स प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका नाम है इंक्लाइन पुशअप। हम अपने घरों में वाल के सहारे या टेबल का सपोर्ट लेके ये पुशअप कर सकते हैं कुछ इस तरह। अगला हमारा पुशअप है दोस्तों, इसका नाम है डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप स्पेशल हमारे ट्राइसेप के लिए बहुत ही फायदेमंद है। डायमंड पुशअप हमारे नॉर्मल पुशअप के अकॉर्डिंग थोड़ा हार्ड है जो कि इस तरह होगा। अगर हम डेली 40 डायमंड पुशअप करते हैं तो हमारे ट्राइसेप में काफ़ी ग्रोथ देखने को मिलेगा। डायमंड पुशअप्स के लिए दोस्तों हमारे फोर आर्म्स में पावर की जरूरत है जो कि हम नॉर्मल पुशअप्स और पुलअप से ला सकते हैं अपने शोल्डर्स और हाथों में। दोस्तों अगर आप लोग परफेक्ट नॉर्मल पुशअप्स करेंगे तो कुछ इस तरह का होगा आप लोगों का नॉर्मल पुशअप्स। अगला जो हमारा पुशअप स्टेप है दोस्तों वो डिक्लाइन पुशअप्स के नाम से जाना जाता है जो कि थोड़ा नॉर्मल पुशअप से हार्ड होता है। डिक्लाइन पुशअप्स के लिए भी हम टेबल का सहारा ले सकते हैं जो कि कुछ इस तरह होगा। डिक्लाइन पुशअप्स को करके हम अपने चेस्ट मसल्स को काफ़ी जल्दी से ग्रो कर सकते हैं। डिक्लाइन पुशअप्स करते हुए दोस्तों हमारा पूरा बॉडी वेट हमारे अपर बॉडी वेट में आ जाता है जो कि हमारे चेस्ट के लिए काफ़ी बेनिफिट है। हम अपने टेबल सपोर्ट का हाइट और ऊपर भी कर सकते हैं अपने कैपेसिटी के अनुसार। अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। अगला जो हमारा पुशअप है दोस्तों इसका नाम है पुशअप एंड जंप। ये जो हमारा पुशअप है अगर ये हम लोग कर लेते हैं तो हमको कार्डियो वर्कआउट भी करने की ज़रूरत नहीं है। हमारा फुल बॉडी वर्कआउट इसी एक पुशअप्स में हो जाता है। ये कुछ इस तरह का होता है। ये पुशअप्स हमारे थाई मसल्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल है। एवरी एथलीट के लिए वन ऑफ द बेस्ट वर्कआउट है ये। वीडियो कैसी लगी दोस्तों हमें डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।